हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रैंक फार्मूला आप एमएस एक्सेल 2013 में कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सेल मर्ज करके यहाँ पे भी लिखता हूँ, हाउ टू यूज रैंक फार्मूला। ठीक है, तो अभी यहाँ इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कोई और कर देते हैं, नो ये भी ठीक नहीं तो ये वाला कर देते हैं। ठीक है, ये वाला ठीक है, और इसका बोल्ड करता हूँ, इसके स्टाइल भी चेंज कर देते हैं जो भी अच्छा लगे। ये वाला ठीक है, हाउ टू यूज़ रैंक फार्मूला, और यहाँ से थोड़ा सेल बड़ा कर लेते हैं ताकि ये ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रैंक फार्मूले के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ, नेम स्कोर, सॉरी, ठीक है, उसके बाद आता है रैंक। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कलर कुछ और देता हूँ, ठीक है, ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए। यहाँ का भी कलर कुछ माहौल चेंज करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, जैसे कि अपना नेम देता हूँ डेविड, सैम, विकी, सनी, सैमसन, सलमान, अशफाक, आतिफ, फरहान, जुबैर, और भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मार्क इंग्लिश नेम है, उसके बाद देते हैं नेम, क्या नेम देंगे, उसके बाद जेम्स, ठीक है, ये मैंने कुछ नेम दे दिए। अब इनके पॉइंट अगर तो आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे इनको पॉइंट स्कोर कह रहे हैं 10, 20, 30, 40 ऐसे भी दे सकते हो। एक तरीका ये है, आप खुद से एंट्री कर सकते हो। एक तरीका ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर को कहते हो आप खुद ब खुद आप ऐड करो इसके अंदर। तो मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू रैंड बैटवीन का फार्मूला, रैंड बैटवीन, ये देखें ये दूसरे नंबर पे ये आया, इसको टैब बटन प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐड कर देगा। और यहाँ पे मैं ये कह रहा है कि बटम नंबर दो, सबसे कम अमाउंट दो, मैं कहता हूँ 1, और ये कह रहा है सबसे ज़्यादा अमाउंट दो, कोमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं टॉप सबसे बड़ी रकम दूंगा, मैं कहता हूँ 150 ले लो, 150 ले लो, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर करूंगा, ये खुद खुद से एक अमाउंट इसके दरमियानी 1 से लेकर 150 के दरमियान जो भी अमाउंट होगी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा मेरे लिए। देखें इसने 59 को सेलेक्ट किया। अब इसी फार्मूले को मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लेता हूं ड्रैग करके, देखें ऑटोमेटिकली रैंडमली इसने यहां पे ऐड कर लीजिए। आपने अपना टाइम जो सेव करने के लिए या टाइम ज़ाया ना करना हो तो फिर आप जल्दी से ये काम कर सकते हैं। अभी ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पर देखो कुछ अमाउंट ऐड करूँगा तो इसमें चेंजिंग आ जाएंगे, देखें ये चेंजिंग आ रही है। तो अभी इस चेंजिंग को क्या करना है कि इसको ख़त्म करने के लिए मुझे इसको सारे को कंट्रोल सी करना पड़ेगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा होगा वैल्यू, वैल्यू को चेक लगा के ओके कर दें। अब कंट्रोल डी करता हूँ तो ओ सॉरी, ठीक है, अब ये ठीक है, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जितना मर्जी इसको आप देखें, एंटर करूंगा देख अभी नहीं आ रही है, अब वैल्यू बन चुकी है, अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब रैंक का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमेशा से आपको बताता हूं कि कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले क्या कहते हैं, इज इक्वल टू का सिंबल लाजमी है। मैं जो थोड़ा सेल का साइज बढ़ा रहा हूँ उसको, तो पहले वाले पर फार्मूला लगाता हूँ रैंक मालूम करने के लिए, क्योंकि रैंक तो हमारे मुआशरे में भी पाया जाता है कि मेरी पोजिशन, मेरा रैंक ये है, मेरा रैंक ये है, या किसी ऑफिस में चले जाओ तो वो कहता है कि मेरा रैंक ये है, मेरी पोजीशन ये है। तो ये बहुत कॉमन बात है पाकिस्तान में और इंडिया में, ये आम बात होती है कि लोग रैंक को ज़्यादा तरजीह देते हैं, पोजीशन को ज़्यादा, पोजीशन या रैंक को एक तरजीह देते हैं। तो किसी का रैंक निकालने के लिए उसको स्कोर पॉइंट के स्कोर या पॉइंट्स के या नंबर्स के हवाले से, तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू
आर ए एन मैंने लिखा, तो इसके इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सब आ गए हैं। तो सबसे नीचे वाला रैंक टैब बटन प्रेस करूंगा वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि नंबर दो, नंबर कौन से कहां से आपने करना है, तो उसको मैं तो दोस्तों यहां पे मैं ये पूछ रहा है मुझे नंबर नंबर दो, मैं कहता हूं इस वैल्यू का रैंक निकालना है। अभी फिर करूंगा कोमा ऐड करूंगा, नीचे आपको बता भी रहा होता है कि कोमा ऐड करो, कोमा ऐड किया। अब ये रेफरेंस मांग रहा है, रेफरेंस क्या है कि सारी कौन कौन सी अमाउंट्स में से आप इसका रैंक निकालना चाहते हो, तो ये भी हो सकती है। मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे को ही देखें, मैंने यही नंबर रेफरेंस दे दिया इसका कि इसमें से निकालो ये जितने भी हैं, ठीक है। और फिर कोमा, फिर कह रहा है यहाँ पे नीचे बता रहा है कोमा। अभी ये मैं कोमा ऐड करूँगा, रेफरेंस का जो हाईलाइट है वो ख़त्म होकर ऑर्डर पर आ जाएगा। तो देखें अभी ऑर्डर पर आ गया, ये कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर लेना है और डिसेंड। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर मैं एक कर ज़ीरो प्रेस करूंगा तो ये जो सबसे बड़ी रकम होगी उसको रैंक वन देगा, अगर सेंडिंग करूंगा तो ये सबसे छोटी रकम को रैंक वन दे देगा। तो मैं पहले वाले को यूज़ करके देखता हूं, पहले ये क्या करता है ज़ीरो, तो यहां पे कोमा लगाया और मैं ज़ीरो प्रेस करता हूं और ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर करूँगा, तो देखें इसने इसको रैंक थ्री दिया, ठीक है। तो इसमें आई थिंक 130 ये वाली आ गया, ठीक है। अब मैं इसी को चेंज करके वन करता हूँ, अभी एंटर करता हूँ तो ये क्या देता है, इसको रैंक इसने 10 दे दिया, ठीक है। इस लिहाज से ये काम करता है। अभी इस फार्मूले को कॉपी करना हो या तो आप इसको ऐसे ड्रैग करा के नीचे ले आएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा फार्मूला, ये देखें ऑटोमेटिकली, आसान तरीका ये वाला है, ठीक है, ये कॉपी हो गया। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और इसके ऊपर आपने कॉपी करना है, फिर इसको सिलेक्शन देंगे यहाँ से, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, इसको एंटर करता हूँ, देखें यहाँ पे इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कसर रख के इसको सिलेक्शन देता हूँ जहाँ पे मैं इस फार्मूले को, यहाँ पे आऊँगा पेस्ट, आई थिंक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा फार्मूलाज। तो देखें फार्मूला पे मैंने जब किया तो इसने ऑटोमेटिकली उसको रैंक दे दिए, सबको रैंक अता कर दिया। कंट्रोल डी करूँगा डी सेलेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका, एक और नाम ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इमरान और उसके आगे मैं क्या करता हूँ कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ 50 इसकी, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ, आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। आप फार्मूला में जाएंगे, एफ एस इंसर्ट वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे रैंक लिखना है और गो करेंगे, गो पे रैंक पहले नंबर पे आएगा, ओके करें, और ये कह रहा है कि अपनी वैल्यू दो। ये तरीकाकार भी वही तरीकाकार है, आपने जस्ट वो वैल्यू देना है, नंबर दे दिया। अब ये कह रेफरेंस कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर आके ये कह रेफरेंस कौन सा, मैं रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्शन को देता हूँ। अब तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पोजीशन के हवाले से आप कौन सा नंबर यूज़ करना चाहते हो, लॉजिकली इज इक्वल टू 3, मैं कहता हूँ 2 यूज़ करो, ट्रू 1, तो रैंक नीचे आपको खुद खुद बता देगा, ओके। तो देखें इसने 11 रैंक दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू रैंक, और आप यूज़ कर सकते हो, देखिए रैंक रैंक किया, अभी यहाँ पे टैब बटन प्रेस किया, आप ये नंबर मांग रहा है तो नंबर आपने जिसका रैंक निकालना है उसको पहले सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कोमा दिया, आप रेफरेंस कौन से देना है, मैं सारे नंबर दे देता हूँ रेफरेंस के तौर पर, आप कोमा ऐड करता हूँ, आप ऑर्डर कह रहे हैं डिसेंडिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो यहाँ पे आपको बता ही रहा है, अगर रैंक नंबर एज इज रेफरेंस वर लिस्टेड सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा 0 और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दूँगा, तो ये रैंक यहाँ से निकाल कर दिखा देगा, 6 रैंक है इसका, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला, आप रैंक किसी भी वैल्यू का रैंक निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू आप यूज़ करके उसका रैंक निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मसला परेशानी हो तो मेरी वीडियो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ,
और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए नए ट्यूटोरियल जब मैं बनाऊंगा तो आपको उनका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा और आप उसे इल्म हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि नई नई लर्निंग वीडियो आपको मिल सके।